वेलकम स्टूडेंट्स, हाफ्स एंड क्वार्टर्स चैप्टर में आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज हाफ किलोग्राम ऑफ टमाटो कॉस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट देख रहे हैं आप जिसमें आइटम लिखे हैं टमाटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट एंड पम्पकिन, एंड द रेट्स आर गिवन पर केजी। जो रेट्स दी हुई हैं वो 1 kg की वेट दी हुई है, रेट्स दी हुई हैं 1 kg की क्या रेट होगी, यानी कि 8 rupees है टमाटो की पर केजी, एंड 12 rupees है 1 kg के लिए, 12 rupees है पोटैटो का, ऑनियन का है 10 rupees पर केजी, कैरेट का 16 पर केजी एंड पम्पकिन ₹4 पर केजी। इट मींस द कॉस्ट ऑफ टमाटो, 1 kg टमाटो इज 8 rupees। सो हियर कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज इज ₹8। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ₹8, ठीक है, ₹8 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम। हमें हाफ करना है, यानी कि हाफ किलोग्राम टमाटोज की कॉस्ट देखनी, तो हमें जो इसका अमाउंट लिखा हुआ है उसको भी हाफ करना होगा। सो ₹8 डिवाइडेड बाई 2, हाफ करने का मतलब क्या हुआ कि हमें इसे डिवाइडेड बाई 2 करना है, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस हाफ ऑफ ₹8, ₹8 का हाफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 टाइम्स 1 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 फोर ज़ा 8, दैट्स वाई वी हैव रिटन ₹4, यानी कि ₹4 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम टमाटोज। नाउ विच कॉस्ट मोर, हाफ किलोग्राम ऑनियंस और 1/4 kg कैरेट्स। तो दोनों का हमें वेट निकालना, रुपीज निकालना है, मनी निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियंस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ₹10, जैसा हमने यहाँ पे लिस्ट में भी लिखा हुआ है, तो हमने लिख लिया 1 kg ऑनियंस का रेट लिखा है ₹10। नाउ कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम, हाफ किलोग्राम मीन्स यू हैव टू डिवाइड दिस 10/2, यानी कि इस रेट को जस्ट हाफ कर देना है, डिवाइड बाई 2 किया, ₹5 आ गया। और हम उसी तरह से वापस से कर सकते हैं कि आप हाफ करिए, 1/2 करिए और मल्टीप्लाई 10, 10 वन ज़ा 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5। इस तरह से भी हमारा ये 5 आ जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स, यहाँ से लिस्ट से देखेंगे हम, ₹16 आ रहा है, ₹16 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स, 1/4 का निकालना है आपको, तो 1/4 का करने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाई 4, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट 1/4 एंड 16, 16 वन ज़ा 16 हो गया एंड 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, सो ₹4, 1/4 कैरेट्स का जो होगा वो ₹4 होगा। अब हमें कंपेयर करना है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम ऑनियंस की ज़्यादा है या कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स की। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1/4 kg कैरेट की 4 है और यहाँ हाफ किलोग्राम ऑनियंस की 5 है। सो रेट किसकी ज़्यादा है, हमारी ऑनियंस की। द कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम ऑनियंस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स। वॉट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पटैटोज, 3/4 kg पटैटो की निकाली, तो पटैटो की रेट देख लेते हैं हम, ₹12। सो वी हैव रिटन कॉस्ट ऑफ 1 kg पटैटोज इज इक्वल टू ₹12, दैट इज गिवन इन द लिस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ 3/4 kg पटैटोज मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 का मीन्स 12 3 ज़ा 36, 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, सो 9/1 मीन्स 9, सो इट इज ₹9। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं ₹9। और हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक और अनदर मेथड है, ₹12 है 1 kg पोटैटोज की रेट, 1/4 का निकाल लेते हैं, 1 का हो गया, 1/4 का निकाल लिया हमने, डिवाइडेड बाई 4 किया, ₹12 को 4 से डिवाइड करेंगे, ₹3 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटोज को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 को 3 टाइम्स कर देंगे, जो भी रेट हमारी 1/4 की आई है उसको हमें 3 टाइम्स कर देना है, क्योंकि ये 3/4 निकालना है हमें, तो 3/4 करने के लिए हम 3 टाइम्स ऑफ 1/4 कर देंगे, तो 1/4 की रेट क्या है, ₹3, तो हमें 3 3 ज़ा 9, सो दैट कम्स आउट ₹9, एंड दैट विल बी सेम एज दिस ₹9, यहाँ पर भी आ रहा था यहाँ भी, तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं।
Now next one, Kirti is going for shopping. She has only rupees 20 with her. Shop. Kirti ke paas 20 rupees hai, shopping ke liye gayi hai. Can she buy all the things in her shopping list? Jo bhi iske shopping list mein hame dikhai de raha hai, kya wo 20 rupees se khareed payegi? Kirti has rupees 20. 20 है कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम पोटैटो, क्योंकि उसे हाफ किलोग्राम पोटैटो जो कि लिस्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे रुपीज 12, यानी कि हाफ किलोग्राम पोटैटोज का ये कितना हो सकता है. तो हाफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, 12 का डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो हमारी गिवन है 12 रुपीज, जैसे कि हमारा लिस्ट में रेट लगा हुआ था. तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो जो है वो हम निकाल रहे हैं. यहाँ पे 1 किलोग्राम का हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो पोटैटोज इज इक्वल टू रुपीज 12, ये 12 है. और जब आप हाफ कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 आपको इस तरह से लिखना होगा. ना रुपीज 6 डिवाइड किया आपने 2 से, रुपीज 6 आ गया. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पम्पकिन, 1 किलोग्राम पम्पकिन का हमें निकालना है. क्यों, क्योंकि दिया हुआ है दैट इज रुपीज 4, दैट इज गिवन इन द लिस्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 2 किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम पम्पकिन दैट इज इक्वल टू रुपीज 2 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि आपको डबल करना है इसका, डबल 2 किलोग्राम का निकाले थे, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा रुपीज 4 को, देन वी विल गेट रुपीज 8, यानी कि आपके रुपीज 8 का पम्पकिन आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कैरेट हमारा रुपीज 16 है, क्योंकि यहाँ कैरेट भी खरीदनी है उसे 1/4, तो हम 1 किलोग्राम कैरेट का रेट लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कैरेट्स हो गया यहाँ पे 1/4 के लिए करेंगे डिवाइडेड बाई 4, देन वी विल गेट रुपीज 4. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल, जो भी इसने खरीदी है उनका सबका टोटल करना है. सबसे पहले हम देख रहे हैं रुपीज 6, वो हाफ किलोग्राम पोटैटोज की है. उसके बाद हमारा 2 किलोग्राम पम्पकिन का रुपीज 8, ये हो गया. उसके बाद लास्ट में हम 1/4 किलोग्राम कैरेट्स का हो गया रुपीज 4. रुपीज 4 होने से यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका रुपीज 18. नाउ टोटल जो बिल आ रहा है दैट इज ऑफ रुपीज 18. नाउ कीर्ति कैन परचेज ऑल द वेजिटेबल्स इन हर शॉपिंग लिस्ट एज शी हैज रुपीज 20. उसके पास 20 रुपीज है तो रुपीज 18 का इजीली वो खरीद पाएगी. नेक्स्ट, देयर आर 60 मैंगोज है, हाफ ऑफ देम आर राइप. हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, तो उसमें से कितने राइप हैं. हाफ ऑफ देम आर राइप बोला है फ्रैक्शन में, आपको नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं कि कितने राइप मैंगोज हैं. सो टोटल मैंगोज आर 60, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है. हाफ ऑफ देम राइप मीन्स नंबर ऑफ राइप मैंगोज हम निकाल सकते हैं हाफ करके, 60 का हाफ करेंगे हम, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 एंड 2 3 0. सो रुपी नंबर ऑफ राइप मैंगोज जो होंगे दैट इज 30, हैज 30 मैंगोज आर राइप, तो 30 मैंगोज राइप होंगे. देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स. 32 चिल्ड्रन है क्लास में और उसमें से हाफ गर्ल्स हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, फिर हमें बॉयज निकालने, पहले हम गर्ल्स निकालेंगे. टोटल चिल्ड्रन 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स मीन्स हाफ हमें करना है किसका, हाफ ऑफ देम अगर गर्ल्स हैं तो हाफ ऑफ देम आर बॉयज. तो हाफ अगर बॉयज है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज का हाफ करना है हमें, 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाई 32, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. और इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे 2 1 2 2 1 2 6, यानी कि ये हो जाएगा 16, यानी 16 बॉयज हैं क्लास में. नेक्स्ट, देयर आर 20 स्टार्स हैं, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड. क्वार्टर मीन्स 1/4 आर रेड. हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, तो रेड कितने होंगे, नंबर निकाल लें इनका, हाउ मेनी आर नॉट रेड, दोनों ही निकाल लें. तो टोटल स्टार्स 20 हो जाएंगे, क्वार्टर ऑफ देम आर रेड का मीन्स 1/4 ऑफ देम आर रेड. सो नंबर ऑफ स्टार्स आर रेड, जो रेड है उनको निकालने के लिए क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाई 4 कैसे, 1/4 ऑफ 20, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 4, और 4 1 4 एंड 4 5 20, सो 5 आर रेड. नाउ 5 आउट ऑफ 20 आर रेड, therefore number of stars that are not red, red जो नहीं है तो 20 में से हमें 5 को माइनस करना होगा जो रेड है, तो माइनस करा हमने एंड वी विल गेट 15. सो नंबर ऑफ स्टार्स दैट आर नॉट रेड आर 15.
रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल इट कॉस्ट रुपीज टू, एक पेंसिल है जो रुपीज टू की है, ही गिव्स अ वन रुपी कॉइन, उसने वन रुपी कॉइन देता है शॉपकीपर को, वन हाफ रुपी कॉइन भी दिया उसने, वन क्वार्टर रुपी कॉइन भी दिया, इज इट इनफ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो दैट इज रुपीज टू। नाउ मनी गिवन बाय रवि, रवि ने जो पैसे दिए उसको काउंट करेंगे हम, रुपीज वन दिया, वन रुपी कॉइन यहाँ लिखा है, वन रुपी कॉइन हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहे हैं वन हाफ रुपी कॉइन, तो हाफ रुपी कॉइन मीन्स क्या होता है, 0.50 पैसे, ये आपका रुपीज में हो गया, दैट इज ऑफ रुपीज, ये भी रुपीज में है, बट पैसे में कहेंगे तो हम 50 पैसे, तो वन रुपी में हमारे 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ओके तो ये बोल रहे हैं कि हाफ करना है, हाफ अ रुपी, हाफ अ रुपी का मीन्स 100 का हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पैसे, दैट इज 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 0 दैट इज 50 पैसे, 50 पैसे होगा। और अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 0.50, 0.50 का मतलब क्या हो गया, आपके ये रुपी, ये आपका रुपीज में चेंज हो गया, तो हम रुपीज में लिखेंगे तो 0.50। क्वार्टर अ रुपी, वन क्वार्टर रुपी जो आपका ये है रुपी, उसका क्वार्टर करना है, यानी कि 1/4, 1/4 ऑफ 100 पैसे, जब 100 पैसे का किया हमने तो 100 डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 25, तो इट मीन्स 25 पैसे जो होंगे दैट इज ऑफ अ क्वार्टर ऑफ रुपी, सो इट इज 0.25 रुपीज। नाउ अब जब इनको हम प्लस कर देंगे तो दैट इज 1.75, प्लस कैसे करेंगे हम, 1 means 1.00 एंड 50 पैसे 0.50 एंड 0.25 दैट इज 25 पैसे, इन सबको हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे प्लस 5567.1 1.75, बट द पेंसिल इज ऑफ रुपीज टू, लेकिन 2 रुपीज की पेंसिल है। मनी रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत थी हमें और कितने बचे, 2 रुपीज, और ज़रूरत हमें सिर्फ 1.75 की थी, इट मीन्स रुपीज 0.25। तो हमारा जो मनी जो दिया है रवि ने वो दिया है 1.75, तो कम है, जबकि पेंसिल 2 रुपीज की है, तो कितने पैसे की और ज़रूरत है, 0.25 रुपीज की और ज़रूरत है, यानी 25 पैसे, यानी 25 क्वार्टर रुपी कॉइन की भी ज़रूरत है। हैंस रवि डिड नॉट गिव इनफ मनी टू बाय द पेंसिल, रुपीज 0.5 मोर इज रिक्वायर्ड टू बाय द पेंसिल, इतने रुपीज और ज़रूरत है उस पेंसिल को खरीदने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइंडस्टोन।